आपका शीतल कहाँ रहते हो? क्या मामला बताया जा रहा है कि आपने बैंक से कुछ पैसे निकाले और आप जहाँ एटीएम के पास खड़े थे और आपके थैले में से कुछ पैसे निकाले गए हैं? मैं पैसे अंदर से लाइन निकाल के और मशीन पे एंट्री करने आई हूँ, मैं और मेरा बेटा, और वहीं से इसके बैग में से निकाले इस थैले में से। तो कौन से बैंक में आप आए हैं? भारतीय स्टेट में। कितना पैसा आपने निकाला? 40। तो आपने अपने बैग में रख लिए? हाँ, अपने पॉलिथीन में लपेट के, उसमें चेकबुक ही, आधार कार्ड और इसके पापा का आई कार्ड, और वहाँ से पुलिस लाइन में से सामान लाते हैं कैंटीन में से। तो क्या पासबुक की एंट्री करने बाहर आए थे आप? पासबुक एंट्री करवानी, ये एंट्री तो इसमें करवानी आई हूँ, तो आप ही कर रहे हैं? आपके आस पास कोई खड़े थे? मेरे पास मतलब मैं उससे दो आ गए, एक ताऊ से चले गए, एक भैया से, उस पर मैंने भी करवाई, मैं भैया मेरी भी लगा दो, वो भी चला गया, और हमारा मैंने एंट्री करवाई, एंट्री करवा के मैं मतलब अपनी पासबुक देख रही, मतलब तनख्वाह आई है ना आई, बेटा भी वहीं खड़ा, और इस झूले में जैसे माँ बेटा देख रहे हैं ना, तो ऐसे पीछे से ले गई निकाल के। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस को दे दी? हाँ, अभी करिए। जा सब, एक मामला भी आया है कि महिला अपने पास को एंट्री कराने आई थी, बैंक से पैसा निकाल कर बाहर पहुंची है, उसके बगल में कोई महिलाओं ने उसके बैग में रखे लगभग काफ़ी सारी राशि थी वो निकाल के ले गए, क्या मामला आया? अभी 112 की कॉल आई थी, सूचना पर मैं वहाँ पहुंचा हूँ। महिला ने अपनी दरखास्त दी है, उसमें लिखा है कि उनके 38,000, एक उनका पति का आई कार्ड और एक पासबुक की कॉपी और एक आधार कार्ड की कॉपी, दो नाम पता नामालूम महिला जो चोरी करके ले गई है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश कर रहे हैं। तो किस बैंक की घटना है और कितनी राशि है? राशि जो बताई है उन्होंने शिकायत में जो दी है वो 38,000 है, और हम सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसकी पहचान में लगे हुए हैं।